नाहन में पर्यावरण सोसाइटी के वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर बिंदल ने कहा कि सोसाइटी पिछले करीब 18 सालों से पर्यावरण स्वच्छता पर बेहतरीन कार्य कर रही है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष व नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि ऐतिहासिक शहर नाहन को एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को विकसित करने के लिए 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिन्हें स्वीकृति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेजा गया है। बिंदल नाहन में पर्यावरण सोसाइटी के वार्षिक समारोह में शिरकत करने के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए बोल रहे थे। डॉक्टर राजीव बिंदल ने पर्यावरण सोसाइटी द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने लोगों से भी पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग देने की अपील की। पर्यावरण समिति नाहन पिछले 18 वर्षों से पर्यावरण के सुधार के संबंध में महती कार्य कर रही है। कहां बावड़ियां सुरक्षित रहनी चाहिए, जल स्रोत सुरक्षित रहने चाहिए, हमारे तालाब सुरक्षित रहने चाहिए और हमारी सैरगाहें अच्छी बननी चाहिए, ये प्रेरणा बहुत बड़ी बात है। आज स्वच्छता के प्रति जागरूकता दिखाई देती है, परंतु आज से 18 साल पहले स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, पेड़ लगाने के प्रति जागरूक करना, उनका संरक्षण करना बहुत बहुत बड़ी बात है। हम पर्यावरण समिति को बहुत बधाई देते हैं और आने वाले दिनों में नाहन की सुंदरता के और आसपास की पर्यावरण की रक्षा के 3 प्रोजेक्ट ADB में डाले गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से वो प्रोजेक्ट स्वीकृत होकर के नाहन को एक बेहतरीन नगर के रूप में परिणित किया जाए, इस दिशा में प्रयास करेंगे। सोसाइटी द्वारा इस दौरान पर्यावरण विषय पर करीब 28 स्कूलों के बच्चों की विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। इस दौरान बच्चों ने नाटक के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।